नहश के वंश का वर्णन रज यो ययात का चरित्र। लोमहर्षण जी कहते हैं, आयु के उनकी पत्नी स्वर्णभान कुमारी प्रभा के गर्भ से 5 पुत्र उत्पन्न हुए। वे सभी वीर और महारथी थे। सर्वप्रथम नहश का जन्म हुआ, उनके बाद वृद्ध शर्मा उत्पन्न हुए, तत्पश्चात क्रमशः रंभ, रज तथा अनेना हुए। ये तीनों लोकों में विख्यात थे। रज ने 500 पुत्रों को जन्म दिया, वे सभी राजे क्षत्रि के नाम से विख्यात हुए। उनसे इंद्र भी डरते थे। पूर्व काल में देवताओं तथा असुरों में भयंकर युद्ध आरंभ होने पर दोनों पक्षों के लोगों ने ब्रह्मा जी से पूछा, भगवान आप सब भूतों के स्वामी हैं, बताइए हमारे युद्ध में कौन विजयी होगा, हम इस बात को ठीक ठीक सुनना चाहते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, राजा रज हथियार हाथ में लेकर जिनके लिए युद्ध करेंगे वे निसंदेह तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जिस पक्ष में रज है उधर ही धृत है, जहाँ धृत है वहाँ लक्ष्मी है, तथा जहाँ धृत और लक्ष्मी है वहीं धर्म एवं विजय है। यह सुनकर देवता और दानव दोनों का मन प्रसन्न हो गया। वे रज के पास आकर बोले, राजन आप हमारी विजय के लिए श्रेष्ठ धनुष धारण कीजिए। तब रज ने स्वार्थ को सामने रखकर अपने यश को प्रकाश में लाते हुए उभय पक्ष के लोगों से कहा, देवताओं यदि मैं अपने पराक्रम से समस्त दैत्यों को जीतकर धर्मतः इंद्र बन सकूं तो तुम्हारी ओर से युद्ध करूंगा। देवताओं ने इस शर्त को पहले ही प्रसन्नता पूर्वक मान लिया। वे बोले, राजन ऐसा ही करो, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो। देवताओं की यह बात सुनकर राजा रज ने असुरों से वही बात पूछी। तब अहंकारी दानवों ने स्वार्थ को ही सोचकर उन्हें अभिमान पूर्वक उत्तर दिया, राजन तुम इस युद्ध में चुपचाप खड़े रहो, हमारे इंद्र तो प्रहलाद ही होंगे, इनके लिए हम विजय करने को प्रस्तुत हैं। देवताओं ने फिर कहा, राजन तुम दैत्य पक्ष को जीतकर देवेंद्र हो सकते हो। तब रज ने उन सब दानवों को जो देवराज इंद्र के लिए अवध थे संहार कर डाला और देवताओं की नष्ट हुई संपत्ति को पुनः उनसे छीन लिया। उस समय देवताओं सहित इंद्र महाराज रज के पास आए और अपने को उनका पुत्र घोषित करते हुए बोले, तात आप निसंदेह हम सब लोगों के इंद्र हैं, क्योंकि मैं इंद्र आज से आपका पुत्र कहलाऊंगा। इंद्र की बात सुनकर उनकी माया से वंचित हो महाराज रज ने तथास्तु कह दिया। वह इंद्र पर बहुत प्रसन्न थे। रंभ के कोई पुत्र नहीं था। अब अनेना के वंश का वर्णन करूंगा। अनेना के पुत्र महायशस्वी राजा प्रतिशत्र हुए। प्रतिशत्र के पुत्र संजय, संजय के जय, जय के विजय, विजय के कृत, कृत के हरवश्य, हरवश्य के महाप्रतापी सहदेव, सहदेव के धर्मात्मा नदीन, नदीन के जैतसेन, जैतसेन के संकृत तथा संकृत के पुत्र महायशस्वी धर्मात्मा शत्रुवृद्ध हुए। शत्रुवृद्ध का पुत्र सुनहोत्र था। उसके काश, शल और गृत्समद ये तीन परम धर्मात्मा पुत्र हुए। गृत्समद के पुत्र शुनक थे। शुनक से शौनक का जन्म हुआ। शल के पुत्र का नाम आर्ष्टसेन था। उनके काश्य हुए। काश्य के पुत्र का नाम काशिप हुआ। काशिप के दीर्घतपा, दीर्घतपा के धनु और धन के पुत्र धनवंतर हुए। वह काशी के महाराज और सब रोगों का नाश करने वाले थे। उन्होंने भरद्वाज से आयुर्वेद का अध्ययन करके चिकित्सा का कार्य किया और उसके 8 भाग करके शिष्यों को पढ़ाया। धनवंतर के पुत्र केतुमान हुए और केतुमान के वीर पुत्र भीमरथ के नाम से प्रसिद्ध हुए। भीमरथ के पुत्र राजा दिवोदास हुए, जो काशी के सम्राट और धर्मात्मा थे। दिवोदास के उनकी पत्नी दृष्टुति के गर्भ से प्रतरदन नामक पुत्र हुआ। प्रतरदन के 2 पुत्र थे, वत्स और भार्ग। वत्स के पुत्र अलर्क और अलर्क के सन्नत हुए। अलर्क बड़े ब्राह्मण भक्त और सत्य प्रतिज्ञ थे। सन्नत के पुत्र धर्मात्मा सुनीत हुए। सुनीत के महायशस्वी क्षेम, क्षेम के केतुमान, केतुमान के सुकेत, सुकेत के धर्मकेतु, धर्मकेतु के महारथी सत्यकेतु, सत्यकेतु के राजा विभु, विभु के आनर्थ, आनर्थ के सुकुमार, सुकुमार के धर्मात्मा दृष्टकेतु, दृष्टकेतु के राजा वेणुहोत्र, वेणुहोत्र के पुत्र राजा भार्ग हुए। प्रतरदन के जो वत्स और भार्ग नामक 2 पुत्र बतलाए गए हैं, उनमें वत्स के वत्स भूम और भार्ग के भार्ग भूम नामक पुत्र हुए। काश्य के कुल में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जाति के हजारों पुत्र हुए। अब नहश की संतानों का वर्णन सुनो। नहश के उनकी पत्नी पितृकन्या विरजा के गर्भ से 5 महाबली पुत्र हुए, जो इंद्र के समान तेजस्वी थे। उनके नाम ये हैं, यथ, ययाति, संयाति, आयाति तथा पार्श्वक। उनमें यथ ज्येष्ठ थे, उनके बाद ययात उत्पन्न हुए थे।
यत ने ककुत्स की कन्या गौ से विवाह किया था। वे मोक्ष धर्म का आश्रय ले ब्रह्म स्वरूप मुनि हो गए। उन पांच भाइयों में ययात ने इस पृथ्वी को जीतकर शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी तथा असुर कन्या शर्मिष्ठा को पत्नी के रूप में प्राप्त किया। देवयानी ने यद और तुर्वस को जन्म दिया तथा वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा ने द्रुहव अनु तथा पुरु नामक पुत्र उत्पन्न किए। ययाति पर प्रसन्न हो इंद्र ने उन्हें अत्यंत प्रकाशमय रथ प्रदान किया। उसमें मन के समान वेगशाली दिव्य अश्व जुते हुए थे। ययात ने उस श्रेष्ठ रथ के द्वारा 6 रातों में ही संपूर्ण पृथ्वी तथा देवताओं और दानवों को जीत लिया। वे युद्ध में शत्रुओं के लिए दुर्धर्ष थे। समुद्र और 7 द्वीपों सहित समूची पृथ्वी को अपने अधिकार में करके उन्होंने उसके 5 भाग किए और उन्हें अपने 5 पुत्रों में बांट दिया। तत्पश्चात एक दिन उन्होंने यद से कहा, बेटा कुछ आवश्यकता बस मुझे तुम्हारी युवावस्था चाहिए। तुम मेरा बुढ़ापा ग्रहण करो और मैं तुम्हारे रूप से तरुण होकर इस पृथ्वी पर विचरूंगा। यह सुनकर यद ने उत्तर दिया, राजन बुढ़ापे में खान पान संबंधी बहुत से दोष है, अतः मैं उसे नहीं ले सकता। आपके अनेक पुत्र हैं जो मुझसे भी बढ़कर प्रिय हैं, अतः युवावस्था ग्रहण करने के लिए किसी दूसरे पुत्र को बुलाइए। ययात बोले, ओ मूर्ख, मेरा अनादर करके तेरे लिए कौन सा आश्रम है अथवा किस धर्म का विधान है? मैं तो तेरा गुरु हूँ, फिर मेरी बात क्यों नहीं मानता? यो कहकर ययात ने कुपित हो यद को शाप दिया, ओ मूर्ख, तेरी संतत को कभी राज नहीं मिलेगा। तत्पश्चात ययात ने क्रमशः द्रुहय, तुर्वस तथा अनु से भी यही बात कही, परंतु उन्होंने भी युवावस्था देने से इनकार कर दिया। तब ययात ने अत्यंत क्रोध से भर कर उन सबको भी पूर्ववत शाप दे दिया। इस प्रकार सबको शाप दे राजा ने अपने छोटे पुत्र पुरु से भी वही प्रस्ताव रखा, वत्स, यदि तुम्हें स्वीकार हो तो अपना बुढ़ापा तुम्हें देकर और तुम्हारी युवावस्था स्वयं लेकर इस पृथ्वी पर विचरूं। पिता की आज्ञा के अनुसार प्रतापी पुरु ने उनका बुढ़ापा ले लिया। ययात भी पुरु के तरुण रूप से पृथ्वी पर विचरने लगे। वे कामनाओं का अंत ढूंढते हुए चैत्र रथ नामक वन में गए और वहां विश्वाची नामक अप्सरा के साथ रमण करने लगे। जब काम और भोग से तृप्त हो चुके तब पुरु के समीप जाकर उन्होंने अपना बुढ़ापा ले लिया। उस समय ययात ने जो उद्गार प्रकट किया उस पर ध्यान देने से मनुष्य सब भोगों की ओर से अपने मन को उसी प्रकार हटा सकता है जैसे कछुआ अपने अंगों को सब ओर से समेट लेता है। ययात बोले, भोगों की इच्छा उन्हें भोगने से कभी शांत नहीं होती, अपितु घी से आग की भांति और भी बढ़ती ही जाती है। इस पृथ्वी पर जितने भी धान जौ सुवर्ण पशु तथा स्त्रियां हैं वे सब एक मनुष्य के लिए पर्याप्त नहीं है, ऐसा समझकर विद्वान पुरुष मोह में नहीं पड़ता। जब जीव मन वाणी और क्रिया द्वारा किसी भी प्राणी के प्रति पाप बुद्धि नहीं करता तब वह ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। जब वह किसी भी प्राणी से नहीं डरता तथा उससे भी कोई प्राणी नहीं डरते, जब वह इच्छा और द्वेष से परे हो जाता है उस समय ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। खोटी बुद्धि वाले पुरुषों द्वारा जिसका त्याग होना कठिन है, जो मनुष्य के बूढ़े होने पर भी बूढ़ी नहीं होती तथा जो प्राणनाशक रोग के समान है, उस तृष्णा का त्याग करने वालों को ही सुख मिलता है। बूढ़े होने वाले मनुष्य के बाल पक जाते हैं, दांत टूट जाते हैं, परंतु धन और जीवन की आशा उस समय भी शिथिल नहीं होती। संसार में जो काम जनित सुख है तथा जो दिव्य लोक का महान सुख है वे सब मिलकर तृष्णा 6 से होने वाले सुख की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकते। यो कहकर राजश्री ययाति स्त्री सहित वन में चले गए। वहां बहुत दिनों तक उन्होंने भारी तपस्या की। तपस्या के अंत में भृगुतुंग नामक तीर्थ के भीतर उन्होंने सदगति प्राप्त की। महायशस्वी ययाति ने स्त्री सहित उपवास करके देह का त्याग किया और स्वर्ग लोक को प्राप्त कर लिया।